मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रो डायनामोमीटर। इलेक्ट्रो डायनामोमीटर एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एसी व डीसी सर्किट्स में पावर को नापने के लिए काम में लेते हैं। यह एक प्रकार का ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल डीसी पर वर्क करते हैं, जैसे पीएमएमसी हुआ, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे इंडक्शन टाइप मीटर्स जो कि एसी पे काम करते हैं। पर इलेक्ट्रो डायनामोमीटर एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जिसे हम डीसी में कैलिब्रेट करने के बावजूद बिना मॉडिफिकेशन या बिना बदलाव के हम इसे डीसी पे भी काम में ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह डीसी व एसी सर्किट दोनों में काम में लिया जा सकता है। यह हमारी दो फिक्स्ड कॉइल्स लगी हुई होती है और ये वाली जो है यह एक मूवेबल कॉइल है जिसके ऊपर अपन ने पॉइंटर को माउंट किया हुआ है डिफ्लेक्शन के लिए, और ये पॉइंटर स्केल से कनेक्टेड है जो हमें आउटपुट में रीडिंग या डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसकी वर्किंग बिल्कुल पीएमएमसी के समान ही होती है, जिसमें ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें फोर्स लगता है। तो जब हम अप्लाइड वोल्टेज में वोल्टेज सप्लाई होती है, सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, तब फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट प्रोड्यूस के कारण टॉर्क जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होता है, और उस टॉर्क के कारण ये पॉइंटर अपना स्केल पे डिफ्लेक्शन शो करता है।
जिसपे दो फिक्स कॉइल्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड है लोड के साथ, जिसमें करंट पास होगा और जिस सर्किट का हमें पावर मेजर करना है वो इस फिक्स कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। एक मूविंग कॉइल है जो कि सप्लाई वोल्टेज के साथ पैडों में लगाई गई है, और इस मूविंग कॉइल के साथ ही एक सीरीज रजिस्टर लगाया गया है जिससे कि मूविंग कॉइल में आने वाले करंट को कंट्रोल किया जा सके, और इसी पे पॉइंटर माउंट किया गया है। अब क्योंकि पॉइंटर जो मूव कर रहा है वो टॉर्क पे डिपेंड हो रहा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है करंट, जो मूविंग कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण ये डिफ्लेक्शन मूव कर रहा है। तो अब उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी या वो टॉर्क किस पे निर्भर करेगा, इसके लिए टॉर्क इक्वेशन डिराइव की गई। यह टॉर्क इक्वेशन हमें बताएगी कि आउटपुट में कितनी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है सिस्टम से। क्योंकि इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक फिक्स्ड कॉइल और एक मूविंग कॉइल। फिक्स्ड कॉइल का खुद का सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि सो फेडर होगा जिसे L1 से डिनोट किया गया है, और L2 जो है वो मूविंग कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट में दोनों कॉइल्स का एक दूसरे के करंट जो फ्लो कर रहा है उसके कारण भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी यानी अनहोमी प्रेरण भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर हमारा आइडियल जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन फिक्स कॉइल बता रहा है। सिमिलरली उसी प्रकार जो I2 है हमारा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मूविंग कॉइल में दर्शा रहा है। L1 जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, फिक्स कॉइल का फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल। इस प्रकार से फ्लक्स लिंकेज होगा क्योंकि दोनों कॉइल में करंट फ्लो मूविंग कॉइल में, तो उस करंट के कारण जो फ्लक्स लिंकेज होगा दोनों कॉइल में, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 होगा, यानी कि इसको हम डिनोट करेंगे साई 1 से, यानी कि कॉइल 1 में कितना फ्लक्स लिंकेज हुआ है वो होगा इस कॉइल में जितना करंट फ्लो कर रहा है I1 यानी कि L1 I1 प्लस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो दूसरा करंट यानी कि मूविंग कॉइल में जो उसके पास में रखी कॉइल है I2 जो फ्लो कर रहा है उसके कारण M I2। इसी प्रकार फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 2 होगा L2 I2 प्लस फिक्स कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है I1 उसके कारण M I1। अब हमें टॉर्क एनर्जी निकालनी है यानी कि आउटपुट एनर्जी, उसके लिए यहाँ पे जो हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्टेज एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो हमारी एनर्जी होती है VI, तो अभी दोनों दो कॉइल्स हैं तो दोनों कॉइल्स में जो एनर्जी है V1 I1 होगी, टोटल एनर्जी होगी हमारी फिक्स कॉइल की एनर्जी प्लस मूविंग कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी एनर्जी यानी कि E1 I1 dt प्लस E2 I2 dt। यहाँ पर हमें पता है कि जो E होता है यानी कि जो इंड्यूस EMF है यहाँ पे
वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस यानी कि ई सारा रेट है तो अगर मैं ई की जगह डी सारा डी वैल्यू रखती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा डी सारा बाई डी टी वन आई वन प्लस डी साई टू बाई डी टी टू आई टू डी टी इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी मुझे मिल रही है I1 D साइवन प्लस I2 D साइवन साइवन यानी कि फ्लक्स लिंकेज और साई टू फ्लक्स लिंकेज कॉइल टू की दोनों की वैल्यूज मुझे पता है वो जब मैं यहाँ पे इक्वेशन में रखूंगी तो मुझे मिलेगा साइवन की जगह L1 I1 प्लस M I2 प्लस साई टू की जगह मुझे मिलेगी वैल्यू यहाँ से L2 I2 प्लस एम आई वन जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी ये डी मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन यानी कि चेंज बता रहा तो अंदर क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं मेरे पास एल वन आई वन एम और आई टू चार वेरिएबल्स हैं चारों एक एक बार डिफ्रेंशिएट होंगे तो जब ब्रैकेट ओपन करूँगी पहले अगर मैं ये टर्म लेती हूँ इसमें से अगर मैं आई वन को कॉन्स्टेंट मानती हूँ और एल वन को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो आई वन बाहर आके आई वन स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एल वन इसी प्रकार इसी टर्म में अगर मैंने L1 को कांस्टेंट माना तो I1 L1 और मेरा I1 डिफरेंशिएट होगा D I1 में अगर मैं इस टर्म को लेती हूँ वापस से अगर मैं I2 को कांस्टेंट मानती हूँ पहले तो I1 I2 D M मिलेगा मुझे और अगर मैं M को कांस्टेंट मानती हूँ तो मेरा I2 डिफरेंशिएट होकर मुझे मिलेगा I1 M D I2 इसी प्रकार इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए I2 को अगर मैं कांस्टेंट मानती हूँ तो डी एल टू डिफरेंशिएट होगा और अगर एल टू को कॉन्स्टेंट मानती हूँ तो डी आई टू सिमिलरली इसी प्रकार इस टर्म के लिए मेरा एम कॉन्स्टेंट है तो डी आई टू प्लस आई वन कॉन्स्टेंट डी टू इस प्रकार मुझे चार टर्म्स इस डिफरेंशिएशन के और चार टर्म्स इस डिफरेंशिएशन के लिए मुझे टोटल इनपुट एनर्जी मेरे पास ये आ गई है ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर वन अब जो मैं इनपुट एनर्जी दे रही हूँ उसके कारण मैग्नेटिक एनर्जी भी डेवलप हो रही है यानी कि एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता है इंडक्टेंस में अगर कोई करंट फ्लो करता है तो उसकी एनर्जी होती है हाफ एल एक्स स्क्वायर और क्योंकि इसमें दोनों कॉइल्स में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों की एनर्जी होगी हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो होगी आई वन आई टू म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल्स के बीच का और दोनों कॉइल्स का फिक्स कॉइल का करंट आई वन और चेन मूविंग कॉइल का करंट आई टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट एनर्जी देने से मैग्नेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो हम इस चेंज से दर्शाएंगे यानी कि चेंज इन एनर्जी स्टोर चेंज इन एनर्जी स्टोर का मतलब है कि इस एनर्जी में इनपुट एनर्जी देने के बाद कितना इंडक्टेंस इंडक्टेंस और करंट में चेंज आया है वो हम दर्शाएंगे डिफ्लेक्सेशन डी से यानी कि इस एनर्जी का चेंज होगा डी हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस आई वन आई टू एम यह जो एनर्जी है ये बता रहा है कि जो एनर्जी हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हुई थी इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी के कारण उसमें क्या चेंज आया है तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे इसी इसमें वापस से एक बार L1 डिफरेंशिएट होगा I1 कांस्टेंट मान के और एक बार I1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे L1 को कांस्टेंट मान के जब हम I1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो I1 स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का हमको पता है डिफरेंशिएशन होता है 2x तो I1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2I1 जो
तो टू और टू यहाँ से कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा आई वन एल वन डी आई वन प्लस हाफ आई वन स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएट होगा एल वन प्लस इसमें डिफरेंशिएट किया पहले आई टू को, आई टू स्क्वायर का टू आई टू प्लस जब एल टू डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे मिलेगा आई टू एल टू हाफ आई टू स्क्वायर डी एल टू प्लस इसमें एक बार एम डिफरेंशिएट किया, एक बार आई टू डिफरेंशिएट होगा और इसी प्रकार एक बार आई टू डिफरेंशिएट होगा। इस प्रकार यह मुझे एनर्जी स्टोर में कितना चेंज हुआ है वो मिला है। जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, तो इसी प्रकार जो यानी कि मेरी जो इनपुट एनर्जी है वो पूरी ट्रांसफर हुई आउटपुट एनर्जी, यानी कि इनपुट एनर्जी बराबर आउटपुट एनर्जी। यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी मेरे पास है और एनर्जी स्टोर मेरे पास है, तो मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिल सकती है, यानी कि मेरी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइनस स्टोर्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी क्वेश्चन नंबर वन में है, क्वेश्चन नंबर वन से मुझे मिली आई वन स्क्वायर डी आई वन प्लस आई वन एल वन डी आई वन प्लस आई वन एल टू डी एल प्लस आई वन एल डी आई टू। आई वन स्क्वायर डी आई वन और हाफ आई वन स्क्वायर डी आई वन, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा हाफ आई वन स्क्वायर डी आई वन आई वन एल वन डी आई वन।
और आई वन एल वन डी आई वन दोनों अपोजिट साइड में ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस आई वन आई टू डी एन प्लस आई वन एम डी आई वन और आई वन एम डी आई वन ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे जो लाइक टर्म्स है आई टू स्क्वायर डी एल टू और हाफ आई टू स्क्वायर डी एल टू जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो मिलेगा प्लस का हाफ आई टू स्क्वायर डी एल टू और इसी प्रकार आई टू एल टू डी आई टू और आई टू एल टू डी आई टू ये लाइक टर्म्स कैंसिल हो गए आई वन आई टू डी एल आई वन आई टू डी एल और ये आई टू एल डी आई वन यहाँ से आई टू एल डी आई टू कैंसिल करेंगे तो फाइनली मुझे जो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी वो फाइनली तीन टर्म्स मिलेंगे हाफ आई वन स्क्वायर डी एल वन प्लस आई वन आई टू डी एन प्लस हाफ आई टू स्क्वायर डी एल टू अब क्योंकि किसी भी कॉइल के लिए मेरा सेल्फ इंडक्टेंस कॉन्स्टेंट होता है वो फिक्स कॉइल के लिए सेम रहता है चेंज नहीं होता है तो क्योंकि यहाँ पे मेरा एल वन और एल टू कॉन्स्टेंट है सिंस एल वन एंड एल टू आर कॉन्स्टेंट तो इन दोनों का जो मेरा डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी एल वन बराबर डी एल टू जीरो होगा किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है तो डी एल वन और डी एल टू जब जीरो हो जाएंगे तो मेरी पूरी टर्म हाफ आई वन स्क्वायर डी एल वन प्लस हाफ आई टू स्क्वायर डी एल टू हो जाएगी और फाइनली मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी आई वन आई टू डी एल जिसमें आई वन मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है फिक्स कॉइल का आई टू करंट है मूविंग कॉइल में और एम जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है फिक्स फॉर मूविंग कॉइल में वर्क डन जो होता है वर्क डन को डिनोट किया जाता है टी डी थीटा से जहां पे टी मेरा टॉर्क है इंस्टेंटेनियस टॉर्क और थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वर्क डन बराबर मैकेनिकल एनर्जी होगा यानी कि आई वन आई टू डी एम तो यहां से मुझे टॉर्क मिल जाएगा यहां से मुझे टी मिल जाएगा आई वन आई टू डी एम अपॉन डी थीटा यानी कि इलेक्ट्रो डायनामोमीटर में जो टॉर्क जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी के कारण करंट फिक्स्ड और मूविंग कॉइल में करंट के कारण वो दोनों कॉइल्स में जो करंट फ्लो कर रहा है यानी कि फिक्स्ड कॉइल का करंट आई वन और मूविंग कॉइल का करंट आई टू जो दोनों करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा यानी कि स्क्वायर ऑफ करंट होगा